92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोग तैयार हो जाइए इसको सुनने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी होने वाली हैं, कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं, कुछ ऐसे भजन होने वाले हैं जो आपके दिन को पवित्र कर देंगे, सुंदर कर देंगे, आपका मन भी लगेगा अपना काम करने में। तो आज शुरू करते हैं गुरु नानक जी के एक बहुत अच्छे लिखे हुए प्यारे से दोहे से। गांजा भंग अफीण मद उतर जात पर भात, गांजा भंग अफीण मद उतर जात पर भात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये जितनी चीजों का नशा है, गांजा भंग अफीण और ये शराब, इस सब का नशा सुबह होते ही उतर जाता है। रात को नशा कीजिए, सोइए, सुबह उतर जाता है। किस काम का हुआ ये नशा? जो नशा उतर जाए वो किस काम का? अरे नशा तो भगवान के नाम का करो जो जिंदगी भर न उतरे और सेहत के लिए भी अच्छा है। बाकी नशे तो सेहत को खराब करते हैं। ये नशा है जो कभी उतरेगा भी नहीं और आपको पवित्र करेगा, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जगाएगा कि आप जो भी काम करते हैं वो आप अच्छी तरह करें, प्रेम से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पे, मैं अनूप जलोटा आपके सामने हूँ। आपको अब लेके चलता हूँ एक मंदिर की ओर। जी हाँ, को सुनाता हूँ आंध्र प्रदेश के इस मंदिर की, श्री कालाहस्ती मंदिर। जी हाँ, ये शिव मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है। और कनप्पा एक भक्त थे, उन्होंने एक बार भगवान शंकर को, उस शिवलिंग को अपनी दोनों आंखें अर्पित करना चाहिए, उस पर ये कथा पूरी जो है वो समर्पित है। इसको सुने और इसका आनंद लें। श्री कालाहस्ती स्थान पर कनप्पा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने उस मंदिर में एक भूकंप जैसा वातावरण पैदा कर दिया। सभी भक्त पुजारी सब वहां से भाग गए, लेकिन कनप्पा वहीं रहे, नहीं गए। और वो शिवलिंग जिनमें खून निकलने लगा था उन्होंने अपने शरीर से लिपटा लिया, और बाद में जब देखा कि उनके खून निकल रहा है तो अपनी आंखें उस शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। बस शिव जी को तो यही परीक्षा लेनी थी। शिव जी प्रसन्न हो गए और कहा, कनप्पा अब मैं यहीं रहूंगा और इसी मंदिर में रहूंगा, तुम मेरी भक्ति करो, आनंद प्राप्त करो और मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूँ, इस संसार में आवागमन से मुक्ति प्रदान करता हूँ। ऐसे भोले बाबा हैं हमारे भोले शंकर कि किसी की भी भक्ति से पसीज जाते हैं और उसको क्या क्या दे देते हैं, मुक्ति का वरदान भी दे देते हैं। तो जब कभी आपको अवसर मिले आंध्र प्रदेश में जाने का तो श्री कालाहस्ती मंदिर जरूर देखें और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें, जैसे कनप्पा ने आशीर्वाद प्राप्त किया था। अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, उस भजन को सुनिए और उसका आनंद लीजिए, मैं भी उसका आनंद लूंगा आपकी तरह। राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको, बिन लाठी का निकला अंधा, बिन लाठी का निकला अंधा, राह से कोई लगा दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। कोई ऐसी जोत जगा दे, श्रद्धा जोत जगा दे मुझ में, भक्ति की जोत जगा दे मुझ में, ज्ञान की जोत जगा दे मुझ में, इस ज्योति के उजियारे में कण कण में दिखला दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको,
राह से कोई लगा दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम, और अब इस भजन के बाद मैं आपको मिलाता हूं प्रीत कमल कोहली से। बहुत अच्छा भजन गाती हैं, आपके सामने प्रस्तुत करेंगी एक भजन और उनसे कुछ हम बातचीत भी करेंगे। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं सहर कार्यक्रम, और आप जानते ही हैं कि हर कार्यक्रम में हम किसी बहुत अच्छे गायक या गायिका को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रीत कमल कोहली को। जी हाँ, इनका गाना मैंने सुना, बड़े प्रेम से गाती हैं, बड़ी भक्ति से गाती हैं। तो स्वागत है आपका सहर कार्यक्रम में प्रीत जी, वेलकम टू सहर। थैंक यू सो मच अनूप जी। तो हम जानना चाहेंगे कि ये संगीत का शौक, ये बीमारी कैसे लग गई? मैं कहूंगी जेनेटिक है, आई वाज बोर्न विद इट। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद कहीं सीखा? अभी एक्चुअली सीखना शुरू किया है। अच्छा? बचपन में सौभाग्य नहीं हुआ कि सीख सकूं, अभी लेकिन शुरू किया है। गुरु डॉक्टर सलील लाते हैं, जिनसे अभी मैंने सीखना शुरू किया है। तो लाते जी ने आपको बहुत प्रेम से सिखाया लग रहा है, क्योंकि इतने ढंग से आप गा रही हैं। थैंक यू। तो आज हमारे श्रोता आपसे क्या सुनने वाले? एक भजन है यशोमती मैया से। हाँ, बोले तो बहुत प्रसिद्ध है, हो जाए। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बुलाया, बोली मुस्काती मैया ललन को बुलाया, काली आंधी आरी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। वाह 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 प्रीत जी, आपने तो इतना सुंदर गाया, इतना आनंद मिला आपके गाने से, और हमारे श्रोता बहुत प्रसन्न होंगे उसका मुझे पूरा विश्वास है। आज का सहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, कल सुबह आपसे फिर मिलेंगे एक नए सहर कार्यक्रम के साथ। अनूप जलोटा को कल सुबह तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते रहिए सहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आज सहर कार्यक्रम में आरंभ कर रहा हूँ, आपके सामने हूँ मैं अनूप जलोटा। सहर कार्यक्रम हम ये प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके मन में एक अलग लौ जगाएं, और वो लौ ऐसी हो जो ज्ञान की हो, भक्ति की हो, आनंद की हो, प्रेम की हो, शांति की हो। इसीलिए भक्त कवियों के, संत कवियों के आपको भजन हम सुनाते हैं, उनकी बातें करते हैं, और यही चीजें हैं जो जीवन में आनंद देंगी और हमेशा देंगी। देखिए कबीर दास जी क्या कहते हैं। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान, कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान, जम जब घर ले जाएंगे पड़ा रहेगा म्यान, जम जब घर ले जाएंगे पड़ा रहेगा म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, हे मनुष्य, तू सोता रहता है, सोने का मतलब है कि तू दूसरी चीजों में व्यस्त रहता है,
तू जाग, और जागने का अर्थ है कि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर। ये जागना वो नहीं है कि आप सोए और उठ गए, नहीं, ये जागृत अवस्था वो है जो हमें ज्ञान का मार्ग दिखाए। नहीं तो हम तो सोते रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो तो सब सोने की अवस्था है, क्योंकि उसमें हम जागृत नहीं है, ईश्वर के गुणों के आसपास हम नहीं है। इसलिए कितना आवश्यक है कि हम जीवन में जागृत रहें, क्योंकि एक दिन यमराज आएंगे, लेके चले जाएंगे, और वो तलवार रूपी जो आत्मा है वो तो वो ले जाएंगे। अब रह जाएगी केवल म्यान, आपका शरीर, और वो तो व्यर्थ हो गया, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि उसमें से आत्मा तो गई। इसलिए जब तक ये तलवार म्यान में है, ये आत्मा इस शरीर में है, तब तक आप जागृत रहिए, तब तक आप प्रभु का ध्यान करिए और अच्छी संगत में रहिए। कहते हैं कि अच्छी संगत में रहने का अर्थ है कि ईश्वर के साथ रहना, क्योंकि वहाँ ईश्वर की ही बातें होंगी, वहाँ ऐसी बातें होंगी जो आपको सही मार्ग दिखाएंगी और ईश्वर तक ले जाने में सहायक होंगी। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। आज आपको लेकर चलता हूँ बहुत सुंदर मंदिर में, ये है यगंती मंदिर, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में यगंती मंदिर। जी हाँ, इस मंदिर को राजा हरिहरा राय ने 15वीं शताब्दी में बनाया था, बहुत पुराना मंदिर है ये। अगस्त्या साधु ने मंदिर बनाना चाहा और इसी स्थान को उपयुक्त समझा और सोचा कि प्रभु व्यंकटेश की एक मूर्ति लगाई जाए। एक विशाल व्यंकटेश जी की मूर्ति वहां लाई गई, लेकिन वो मूर्ति वहां स्थापित नहीं हो पाई, क्योंकि उस मूर्ति के पैर की उंगलियों का एक नाखून टूट गया। तो जब मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको मंदिर में नहीं लगाते हैं, क्योंकि फिर उसकी पूजा नहीं हो पाती है। वे बड़े दुखी हो गए, शिव जी का यज्ञ किया, शिव जी प्रकट हुए और अगस्त्या जी ने कहा कि भगवान आपके लिए स्थान अधिक उपयुक्त है, ये मंदिर आपका ही बनना चाहिए। ये शिव जी से प्रार्थना जब की तो शिव जी प्रसन्न हुए और वहीं स्थापित हो गए, और वहां की जो मूर्ति है बड़ी सुंदर मूर्ति उमा महेश्वरी, उसमें आप शिव पार्वती दोनों के दर्शन कर सकते हैं। एक बड़े आश्चर्य की बात है वहाँ कि वहाँ एक तालाब है और उस तालाब का पानी कहाँ जाता है ये किसी को आज तक पता नहीं लग पाया। जी हाँ, ये भी एक आश्चर्य है। तो आप कभी भी आंध्र प्रदेश में कुरनूल डिस्ट्रिक्ट जाएं तो यगंती मंदिर जरूर जाएं और इस पौंड को भी देखिए कि इसका पानी कहाँ जाता है, और साथ में उमा महेश्वरी के सुंदर दर्शन कीजिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम, और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक भजन, उस भजन का भी हम आप आनंद लेते हैं। सुमिरन बिन गोते खाओगे, मुट्ठी बांध गर्भ से आए, मुट्ठी बांध गर्भ से आए, हाथ पसारे जाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। जैसे मोती फरत ओस के देर भरे झर जाओगे, जैसे मोती फरत ओस के बेर भये झर जाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। जैसे हाट लगाए हटवा सौदा बिन पछताओगे, जैसे हाट लगाए हटवा सौदा बिन पछताओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सौदा लेकर जाओगे, सौदा लेकर जाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। हे
92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एक बहुत अच्छे गायक जिनका आप गायन सुनेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। आज आपके सामने प्रस्तुत हैं कोटा के रहने वाले एक बहुत अच्छे गायक, आप हैं रामदास राव जी। रामदास राव जी, आपका स्वागत है सहर कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कुछ बताएंगे कि आपने संगीत कहाँ सीखा, कैसे शुरू हुआ ये काम? जी, मेरे स्वर्गीय पिता पंडित नवल किशोर राव नारायण राव जी व्यास के शिष्य थे, ग्वालियर घराने से हमारा संबंध है और झलावाड़ दरबार के राज गायक थे। ओ, अच्छा अच्छा। तो बाल्यकाल से उनके प्रारंभिक शिक्षा उनसे प्राप्त की मैंने जी, और उसके बाद रियाज चलता रहा और गुणी लोगों का आशीर्वाद रहा, तो ये धीरे सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ गया। मेरा पूरे परिवार संगीत में है और मेरे तीनों बच्चे म्यूजिक में ही है, तीनों टीचर हैं और वो भी संगीत से हैं, सब नेट सेलेक्ट किया हुआ है जी। और ये आकाशवाणी दूरदर्शन से कई बार मेरे कार्यक्रम भी आए हैं। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। और आपने अपने संगीत को इस तरह से फैलाया है कि आप विशेष तौर पे कोटा में रहने वाले लोग जो हैं वो तो आपके भक्त हो चुके हैं। सब आपकी कृपा, भगवान का आशीर्वाद है, पिताजी का कृपा है, उनकी आशीर्वाद है। तो आज हमारे श्रोताओं को क्या सुनने को मिल रहा है आपसे? जी, एक भजन आपको मैं सुना रहा हूँ। जरूर सुना। जो हमारा ही कंपोजिशन है। बहुत अच्छा। सपना में साजन मिला री, सपना में साजन मिला, मैं कर न सकी दो बात, आँख खुली तो रह गई सखी, देखो मल के आँख, माई भी माई माने सपना में परना दिनानाथ 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 ओ दिनानाथ माई बने सपना में परिणा दिनानाथ 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 ओ दिनानाथ। रामदास जी, आपके संगीत में दो चीजें जो विशेष नजर आती हैं, आपका शास्त्रीय ढंग और दूसरा राजस्थानी जो आपने संगीत का फोक रंग जो अपने संगीत में, बस आपने प्रसन्न कर दिया, कितने लोगों का दिल जीत लिया। 92.7 बिग एफएम पे अभी आपने सुना रामदास राव को, कितना सुंदर गाते हैं, इनके संगीत से भक्ति का वातावरण कितना अच्छा हर ओर हम महसूस कर सकते हैं। आज का सहर कार्यक्रम हम रामदास राव जी के संगीत से समाप्त करेंगे। कल सुबह आपसे फिर मिलेंगे, ठीक 6 बजे मैं पहुंच जाऊंगा और आपका इंतजार करूंगा। अपना रेडियो बिल्कुल सही टाइम से खुलिएगा। अनूप जलोटा को इजाजत दें, नमस्कार। सुनते रहिए सहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7।